मध्य प्रदेश में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 14 लाख रुपए का इनामी नक्सली सुरक्षा बलों के द्वारा ढेर किया गया है। कौन है नक्सली, कब से इसकी तलाश थी, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में ये पूरे ऑपरेशन को सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया, जहां पर 14 लाख रुपए का इनामी नक्सली जिसकी काफी दिनों से सुरक्षा बलों को तलाश थी उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोठिया टोला में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 14 लाख रुपए का इनामी नक्सली उकास सोहन को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। इस इलाके में ऑपरेशन लगातार जारी है। घटना के बाद से जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक मारा गया नक्सली उकास मोहन बस्तर के बीजापुर का रहने वाला था। वहीं ये भी आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश के बालाघाट जिले में 1 अप्रैल को भी सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया था। जब सब जगह शांति हो गई थी, पुलिस ने सर्चिंग की तो वहाँ एक व्यक्ति पड़ा हुआ मिला था जो सिविल ड्रेस में था। उस पर 315 बोर का वेपन था और वो बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन उकास के रूप में हुआ था, जो ACM था कानापरम देव कमेटी का और पहले ये दीपक तेल तुमड़े इसके साथ ये काम कर चुका था। बहुत सारे इसमें अपराधों में शामिल था छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। तो इस और उसके बाद पुलिस के द्वारा और CRPF की टीम के द्वारा निरंतर इसमें सर्चिंग भी की गई है और 30 से 40 राउंड इसमें पुलिस के द्वारा फायर किए और उनके द्वारा करीब 80 राउंड के आसपास फायर किए गए। और ये बालाघाट पुलिस का विगत सवा दो साल के इसमें टाइम पीरियड में 13 नक्सली खत्म हुए हैं और 7वां इनकाउंटर था जिसमें 3 करोड़ के आसपास के इनामी नक्सली यूटिलाइज हुए हैं। और इसके सबसे बड़ी विशिष्ट उपलब्धि ये है कि ये चूँकि ID एक्सपर्ट था और इसका न्यूटिलाइज होना मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए और इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तीनों के लिए बड़ा ही पॉजिटिव रहेगा, अन्यथा यहाँ पर आगे चल के ब्लास्ट की स्थिति भी बन सकती है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुरक्षा बल लगातार इस नक्सली की तलाश कर रहे थे। इसके ऊपर 14 लाख रुपए का इनाम राशि भी घोषित की गई थी। वहीं नक्सली के मूवमेंट पर लगातार सुरक्षा बलों की नजर थी। वहीं मुखबिर की सहायता से इसको लोकेट किया गया, जिसके बाद यहां पर एनकाउंटर हुआ। लंबे चले एनकाउंटर के बाद नक्सली को ढेर कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का बालाघाट का जो इलाका है वो नक्सली प्रभावित एरिया माना जाता है। यहां पर लगातार पुलिस और सुरक्षा बल जो है वो गश्त करते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल पूरे जिले में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर आप तक पहुंचाइए सहयोगी अतुल वैद्य ने। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।